गुजरात के साबरमती जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा माफिया तीक अहमद के काम तय हो गए हैं। उसे जेल में भैंस को नहलाने, झाड़ू लगाने, मवेशियों का ख्याल रखने समेत बढ़ई का काम भी करना होगा। इसके अलावा उसे जेल में ही खेती का काम भी करना होगा। इस कामों के लिए उसे दिहाड़ी के तौर पर 25 रुपये के रोज मिलेंगे। दरअसल अतीक अहमद को अकुशल कारीगरों की कैटेगरी में रखा गया है। अगर उसे कुशल कारीगरों की कैटेगरी में रखा जाता तो उसे दिन के 40 रुपये दिहाड़ी के तौर पर मिलता। कैदी नंबर 17052 अतीक अहमद उमेश पाल किडनैपिंग केस में साबरमती जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है। जेल के बैंक में अतीक का खाता खोल दिया गया है। उसे मिलने वाली दिहाड़ी उसी खाते में जमा होगी। अतीक को जेल में रहने के लिए 2 जोड़ी कपड़े दिए गए हैं। इन कपड़ों में सफ़ेद रंग का कुर्ता, पैजामा, टोपी और गमछा को शामिल किया गया है। कभी अय्याशी भरा जीवन बिताने वाला अतीक अहमद इन दिनों जेल की रोटी खा रहा है। उसे जेल में खाने के तौर पर रोटी, दाल और चावल दिया जा रहा है। उसके बैरक को बदल दिया गया है और अब उसे सजा पा चुके कैदियों के बैरक में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।